महेंद्रगढ़ के जगड़ोली गांव में पहुंचे कुलदीप यादव, डीजे व मोटरसाइकिल के काफिले के साथ हुआ भव्य स्वागत। आपको बता दें कि कुलदीप यादव विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर चुके हैं। उन्होंने जन जागरण अभियान के तहत जगड़ोली गांव में पहुंचकर जन जागरण को लेकर लोगों से मुलाकात की और आने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्व विधायक व हालिया विधायक को महेंद्रगढ़ से हटाकर एक नई राजनीति की शुरुआत करने की कहा। उन्होंने कहा कि हमने महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छे से निभाई है। अब हम सरकार में नहीं हैं तो भी जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। जब हम सरकार में आएंगे तब बचे हुए विकास कार्य भी पूरे करवाने का काम करेंगे। सरताज जन सेवा ग्रुप के पीआरओ कुलदीप यादव का जगड़ोली गांव में सैकड़ों आदमियों ने फूल माला व सम्मान की पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया। मेरी माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि गांव में पहुंचने पर जो मान सम्मान रूपी पगड़ी पहनाकर मुझे सम्मान दिया, युवा साथियों ने मेरा स्वागत किया, उसके लिए मैं आप दादिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज आप लोगों के बीच में आया हुआ है और हमने ग्रुप के माध्यम से एक जन जागरण अभियान हमने चलाया हुआ है, तो मैं आप लोगों के बीच में अपने विचार साझा करना चाहूंगा कि क्या हमारा उद्देश्य है, क्या हमारा मिशन है, क्या हमारा विजन है और क्या हम क्षेत्र के लिए इन बातों को लेकर आगे बैठे हुए हैं। साथियों बुजुर्गों, आप सभी को पता है कि जहां तक मैं बात करूं अपने महेंद्रगढ़ की, तो बहुत लंबे समय से यहाँ सिर्फ कुछ चंद नेताओं का राज रहा है और अगर मैं आवाज की बात करूं, आज अगर मैं महेंद्रगढ़ के इतिहास की बात करूं तो मेरे बुजुर्ग भी यहाँ बैठे हुए हैं कि महेंद्रगढ़ का जो इतिहास है पहला से भी पुराना है। 1952 से महेंद्रगढ़ जिले का अस्तित्व है, लेकिन 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना और जब हरियाणा बना तो सबसे ऊपर जिलों में नाम था तो महेंद्रगढ़ का था। लेकिन साथियों और बुजुर्गों, इतने लंबे साल के कार्यकाल में बहुत से मुख्यमंत्री आए और चले गए, कुर्सियां बदलती रही, सरकारें बदलती रही, लेकिन एक चीज नहीं बदली, वो थे महेंद्रगढ़ की हालत। आज भी वही हालत है और उस समय भी वही हालत थे। आज हर सुविधा के लिए आज महेंद्रगढ़ की जनता यहाँ के नेता विकास का दावा करते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि महेंद्रगढ़ की जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए भटक रही है। जो एक आम जन की सुविधा होती है, जो हर रोज उसे जरूरत होती है, उसके लिए हम सब तक चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगर मैं बात करूं महेंद्रगढ़ की, तो इतना पुराना जिला होते हुए भी आज तक हम अपना अस्तित्व स्थापित नहीं कर पाए। हरियाणा में शहरों में 7 जिले बने, उसके बाद में जिले में से जिले बढ़ते रहे और हमारे महेंद्रगढ़ जिले में से अनेक जिले बढ़ गए, लेकिन महेंद्रगढ़ जिले का जो जिला हेडक्वार्टर जिला यहाँ का जो अस्तित्व आज तक स्थापित नहीं हो पाया। और यहाँ के नेता अक्सर विकास का दावा करते हैं, लेकिन मैं एक बार बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि आप उन नेताओं से एक बार पूछे, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर वर्तमान विधायक में और पूरे विधायक में इन्होंने अगर राज की बात करूं तो 25 साल और 15 साल मिलाकर 40 साल का राज हो जाता है। और 40 साल की अगर मैं बात करूं तो मेरे बहुत से युवा साथी और यहाँ मेरे बड़े भाई और बैठे हैं, उनकी उम्र 40 साल नहीं है। हमने 40 साल के दौरान सिर्फ 2 नेताओं का राज देखा है। और जहाँ विकास की बात करें तो मैंने बताया कि जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है जिसके लिए हमें रोज नारा लगाना पड़ता है, चाहे सरकार की कोई भी सुविधा हो, अगर कोई भी सुविधा के लिए हमें कोई भी फॉर्म भरना है, कोई भी सरकार से संबंधित जो भी धन सुविधा है वो लेना है, तो हर रोज हमें नारों जाना पड़ता है। लेकिन मैं बात करूं यहाँ के विधायकों की, मंत्रियों की, तो हमारे जनता ने कभी बहुत भारी बहुमत से, चाहे पूर्व विधायक हो चाहे वर्तमान विधायक हो, बहुत बड़ी संख्या में वोट देकर विधानसभा में भेजने का काम किया। हर सरकार ने इनकी हिस्सेदारी ली, ये नहीं कि हमने जो विधायक बना उसकी सरकार में हिस्सेदारी ली। चाहे पूरा विधायक की बात करें तो 10 साल तक नीचे से लेकर दिल्ली तक एक सरकार है, अगर वर्तमान सरकार की बात करें तो आप भी मेहनत से लेकर दिल्ली तक एक सरकार है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप किसी सरकार के विरोधी नहीं है, आप किसी नेता के विरोधी नहीं है, आप उस व्यवस्था के विरोधी है जिस व्यवस्था के तहत हमारा विकास नहीं हो पाया। और हमारा मानना है कि जो हम आज इतने पिछड़े हुए हैं उसमें किसी सरकार का हम दोष नहीं दे सकते, क्योंकि सरकार को दोष आप उस समय खड़ा सकते हैं जब हमारे मंत्री या विधायक ने सरकार के सामने अपनी बात रखी हो। मैं बड़े दावे के सामने एक बात कहता हूँ, अगर पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक एक बार एक बात साबित कर दे कि कभी उन्होंने विधानसभा में जिला हेडक्वार्टर की बात उठाने की बात की, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं मीडिया के साथ कहता हूँ और आप लोगों के बीच में भी कह के जा रहा हूँ कि मैं आप लोगों के बीच में दोबारा नहीं आऊंगा और राजनीति सरकार से लूंगा। लेकिन ये आज तक इस बात का जवाब नहीं दे पाए। हम हमेशा दावा करते हैं कि पूर्व विधायक इस बात को बताए कि क्यों उसने आज तक ये मांग
वर्तमान विधायक है वो ये बात बता सकते कि जो धरने पर जो आश्वासन देके गए थे, जो यहाँ के धक्का दिवादा करके गए थे, उस वादे का क्या रहा? आज मैं कुछ लोगों के बीच में नहीं बता पाए। झूठी न्यूज देते हैं, कभी कहते हैं कि बड़ा आम आयम नहीं बनेगी, कभी कहते हैं कि आयम आयो बनेगा, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है साथियों कि आज तक जो मूलभूत सुविधा है सबसे पहले अगर मेडिकल की बात आती है तो आज तक हमारे पास हॉस्पिटल भी नहीं है। अगर हमारे किसी साथी का, किसी बुजुर्ग का, किसी माता बहन का एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारे यहाँ गुरुद्वारा जाना पड़ता है, रोहतक जाना पड़ता है, जयपुर जाना पड़ता है। अगर मैं घोषणा की बात करूँ तो कोई विधायक ने भी जिस जिला में दो तीन बार घोषणा की करवाई कि हमारे यहाँ 100 बेड का हॉस्पिटल बनेगा, मेडिकल कॉलेज बनेगा, ट्रामा सेंटर बनेगा, ब्लड बैंक बनेगा, लेकिन हालात क्या है कि आज जो हमारी हॉस्पिटल है वो सिर्फ एक ऐसे सेंटर बन के रह गई है। अगर इमरजेंसी में हमारा कोई भाई साथ निभाता बहन बुजुर्ग जाता है तो उसको 10 मिनट में बच्चे करके उसको रेफर कर दिया जाता है। तो साथियों आपने एक मिशन चलाया है, हमारा एक विजन है। मैंने आपको बताया कि आप किसी नेता की विरोधी नहीं है, बहुत से साथी कह देते हैं कि भाई ये किसी नेता की विरोधी नहीं है, आप किसी सरकार की विरोधी नहीं है। हमारा एक मानना है कि हमने सरकार मदद कर दे के लिए समय समय पर इन दोनों विधायकों को मदद कर दे दिया, तो हमने एक मिशन चलाया है कि क्यों ना आपके वाले दोनों विधायकों को छोड़कर हम एक नया प्रतिनिधि तैयार करें ताकि जो हमारी मांग है, जो हमारे मेहनत के लोगों से उनको सरकार के सामने रखा जा सके और जो मेहनत का पिछड़ापन है इसको दूर किया जा सके, इस विजन को लेकर आप लोगों के बीच में आए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग करें ताकि जो हमारे क्षेत्र की जो मांगे हैं वो सरकार के सामने उठाई जा सके और आने वाले विधानसभा चुनाव में जो एक बहुत लंबे नाम जो ये नेता करते आए आपकी वाह इनको किनारे करने का काम करे और हमारे मेहनत का विकास करने का आप सबके सहयोग से आप इस बात को सरकार के सामने उठा सके। साथियों जहां तक हो पाया मैंने पिछले 5 साल से सरकार के सामने जो भी हमारी मांग रखी है लेकिन कमजोर प्रतिनिधि की वजह से, वैसे तो आप कह देते हैं कि हमारा मंत्री बहुत बड़ा है, कदावर नेता है, लेकिन एक भी मांग हम निरंतर प्रयास करते रहे। जब भी मुख्यमंत्री जी भी हमारे बैठक में आए तो हमने प्रयास किया कि हम उनसे मिले और बैठक की जो समस्या है उनको अवगत करवा सके, लेकिन यहाँ के विधायक नहीं चाहते, यहाँ के विधायक नहीं चाहते कि ये मांगे सरकार तक पहुंचे, इसलिए उन्होंने बार बार हमें रोकने का काम किया। अब समय कम रहेगा साथियों, 2-3 महीने का समय, उसके बाद चुनाव आएंगे और पूरे विधायक वर्तमान विधायक आप लोगों के बीच में दोबारा आएंगे और वो कहेंगे कि हमने बहुत विकास करवाया। तो मैं तो आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, अगर वो आपके बीच में है तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक सवाल करना है कि अगर वो कहते हैं कि विकास करवाया तो उन्होंने एक बात आपसे पूछना कि मेहनत की जनता को हर रोज नारोज को जाना पड़ता है, अगर इसका वो जवाब दे दे तो उनको जरूर पहुंचेगा, नहीं तो आपके बाद आप लोगों से एक निवेदन कर रहा हूं कि यदि नेताओं को विधानसभा से दूर करने का काम करें आप लोग मेरा सहयोग करें, आप लोग मुझे आशीर्वाद दें ताकि आपकी मांग में सरकार के सामने उठा सको। आपने जो मेरा बात सुना, किया स्वागत किया, मुझे सुना, उसके लिए मैं दिल की गहराई से आप लोगों का